नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण बिरला आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग इसमें देख रहे थे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमपीएन्स स्टडी। दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नया नाम रख लिया है जिसका नाम आज से होगा एमपीएन स्टडी, ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरे नाम से ना सर्च करना पड़े। आपको जब भी मेरा चैनल सर्च करना है, आप MPIAN MPN स्टडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में लोगो भी नीचे दिख जाएगा, स्पेलिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम पिछले वीडियोस में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख रहे थे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ कल्चरल ऑस्पेक्ट्स, उसके सांस्कृतिक ऑस्पेक्ट्स, उसका व्यापार किससे किससे था, कहाँ कहाँ से था, उसकी सील किससे बनी हुई थी, पैमाने वो लोग क्या यूज करते थे। तो थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, उसका नगर नियोजन देखेंगे कि नगर कैसे बना हुआ था, क्या था, है ना। तो ये एक भूमिका हो गई है, आज हम इसमें देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ठीक है। ये टाउन मैनेजमेंट है। देखिए दोस्तों, आपको सामने चित्र में दिख रहा होगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है। इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी है, जैसे कि ये आप इसमें देखिए, यहां पर ये आपको जो जहां अभी मैं चला रहा हूं अपना कर्सर जहां पर चल रहा है, ये है मुख्य सड़क। ये क्या है? नगर की मुख्य सड़क। हालांकि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि नगर जो है वो दो भागों में विभाजित होता था, एक ऊपरी टीला और एक निचला टीला। ये तो नियम था, ठीक है। ऊपरी टीला जो है वो दुर्गीकृत होता था या परकोटा से घिरा होता था, चारों तरफ दीवार उसके बनी होती थी, सुरक्षित होता था, जबकि निचला टीला जो है वो दुर्गीकृत नहीं होता था। लेकिन चूंकि ये तो एक सभी नगरों के लिए सामान्य बात थी, लेकिन मतलब ये एक थंब रूल था, लेकिन इस थंब रूल के कुछ अपवाद भी थे जो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं उन सब की बात नहीं करूंगा, मैं निचले नगर की अगर मैं बात करूं तो कुछ वो इस टाइप का था, ठीक है। यहां पर आपको दिख रही है एक मेन, ये मुख्य सड़क है जो मोटी मोटी दिख रही है आपको, ये मुख्य सड़क है, एक इस साइड से भी मुख्य सड़क है। तो आपको इस डायग्राम में दो मुख्य सड़कें दिख रही है, सिर्फ दो ही नहीं थी, ज्यादा होती थी, लेकिन चूंकि अब पूरे शहर को तो बना नहीं सकता मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये दो मुख्य सड़कें हैं, एक ये भी मुख्य सड़क है, ठीक है। और सड़कें जो है वो एक दूसरे को ट्रायंगल पर काटती थी, मतलब ट्रायंगल पर नहीं, मतलब एक दूसरे को 90 अंश या समकोण पर काटती थी। ये देखिए दोस्तों, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कुछ पूछा जाता है एग्जामों में, किताबों में भी लिखा रहता है, और मैं इमेज इसलिए बना दिया हूं ताकि आपको इमेज देख करके समझ में आ जाए कि सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। अब सड़कों से सिटी के अंदर जाने के लिए या घरों तक पहुंचने के लिए गलियां होती थी। आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि गलियां भी आपको दिख रही होगी, जो पतली पतली लाइनें हैं ये गलियों की है, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन है, ये मुख्य सड़क है, आदमी यहां तक आएगा, अपनी गली में जाना है तो इधर चला जाएगा। तो ये क्या है, सड़कें जो है वो गलियों में खुलती थी और गलियां जो है फिर आगे और मुख्य सड़क से मिल जाती थी। तो ये दो मुख्य सड़कों के बीच में गलियां भी होती थी, यहां पर भी एक गली हो सकती थी, यहां पर भी हो सकती थी। तो मैंने जो है वो यहां पर इतना सारा मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने बताया नहीं है, तो ठीक है। आपको दिख रहा है बीच बीच में आपको चौक दिख रहे हैं, ये चौराहा देखिए, ये भी एक चौराहा है, ये भी एक चौराहा है, है ना। तो सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। पूरा शहर जो है वो सेक्टर्स में बटा हुआ है, और ये पूरी जो ये प्रणाली है इसको ग्रिड नुमा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ग्रिड प्रणाली कहते हैं क्योंकि इसमें पूरा शहर जो है वो आपको दिख रहा है कि सेक्टर्स में बटा हुआ है। ये देखिए, ये एक सेक्टर हो गया, है ना, ये देखिए, ये एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर। तो पूरा शहर जो है वो सेक्टर्स में बटा रहता था, और ये जो प्रणाली आपको दिख रही है ये ग्रिड प्रणाली कहलाती थी। ये तो हो गई शहर की बात, ठीक है। अब हम घर की बात करते हैं। तो ये जो मुख्य सड़क है, ये मुख्य सड़क, और ये है सड़क से लगा हुआ घर, लेकिन और ये है इस घर का दरवाजा। तो आप देख रहे हैं कि दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल रहा है, दरवाजा इस गली में खुल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो गली से खुलते थे। मतलब आप मुख्य सड़क से अगर आपको अपने घर में जाना है तो भले ही आपका घर मेन रोड पे है, लेकिन आपको गली में जाना पड़ेगा पहले, और गली में आपका दरवाजा आएगा। जैसे आज के डेट में क्या होता है कि लोग मेन रोड पे गेट रखते हैं हमारा घर में घुसने का, लेकिन उस समय में लोग ऐसा नहीं रखते थे। वो जो है वो मुख्य सड़क से बाजू में जो गली जाती है, जिससे गली में अंदर जाते हैं, उस गली की तरफ अपना दरवाजा रखते थे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, लोथल जो बंदरगाह था जहाँ गोदीबाड़ा था, ठीक है, जहां पर हमें आइवरी रहाती रात का पैमाना मिला था, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। चूंकि यहां पर आया है इसलिए मैंने रिविजन करवा दिया। तो लोथल में जो
दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर ही खुलते थे, मतलब अगर ये लोथल होता तो ये जो दरवाजा जो यहाँ है ये यहाँ है वो यहाँ ना होकर के कहाँ होता, ये यहाँ होता, मतलब मुख्य सड़क की तरफ ही दरवाजा खुल रहा होता। ठीक है, तो लोथल में दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से शहर का मैनेजमेंट समझ में आया होगा, किताबों में इतना ही लिखा रहता है, एग्जाम में अगर आएगा मेंस में आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, कुछ लोथल के बारे में टर्म कुछ दो तीन शब्द लिख सकते हैं क्योंकि वो अपवाद है, और जो मैंने बोला है ये भी आप मेंस में या प्री में तो खैर आएगा, तो ग्रिड नुमा प्रणाली है, मुख्य सड़क है क्या है, क्या गलियां हैं, क्या घर बना होता था, दरवाजा किधर खुलता था, वो सब देखते हैं। घरों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, घर जो है वो एक मंजिला या दो मंजिला हो सकते थे। ठीक है, घरों में आंगन होता था और कालीबंगा में आंगन जो है वो पक्की ईंटों का बना था, है ना, आंगन जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। तो ये घर के बारे में बात हो गई है, और घर की स्पेसिफिक जो चीज है, स्पेशली घर कैसा होता था वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो अभी इतना आप यहां पर लोड मत लो। मोहन जोदड़ो जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने कहा था कि जो मोहन जोदड़ो है वहां सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला है, क्योंकि वहां राजपथ था, है ना, तो मोहन जोदड़ो में सड़कें जो है वो पक्की की गई थी और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है कि सड़क की जो चौड़ाई है वो 3.25 से लगा करके 3.66 मीटर तक चौड़ी होती थी, है ना, मतलब कितनी 2.75 मीटर से लगा करके 3.66 मीटर तक सड़कें जो है वो चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये फैक्ट याद रखना है, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई पूछेगा लेकिन पता होना चाहिए। तो ये सड़कों के और टाउन के मैनेजमेंट के बारे में बात हो गई। आगे चलते हैं हम इसकी कृषि का, अब हम आर्थिक पक्ष पर चर्चा करेंगे, तो इनमें पहला जो है हम कृषि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, है ना, कि इनका कृषि का क्या स्टेटस था। तो आइए देखते हैं जरा, देखो रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती थी, मतलब वर्षा जो है वो कम होती थी। मुख्य रूप से ये लोग क्या करते थे, नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल और मई के बीच में फसल को काट लेते थे, मतलब मुख्य रूप से ये लोग रबी की फसल पर आश्रित थे। ठीक है, खरीफ की फसल का कोई इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, हो सकता है ये कारण और कथन में पूछा जा सके आपको, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रबी आदमी के दिमाग को डायरेक्ट हिट नहीं करता, क्योंकि आज भी जहां टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं है लोग खरीफ की फसलें बोते हैं, रबी नहीं बोते हैं, लेकिन उस समय में सिर्फ रबी की फसल होती थी, है ना, अधिकतर हिस्सों में। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये कारण और कथन वाले जो एसर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है और आप फंस जाओगे। तो मुख्य रूप से फसल जो है वो रबी की होती थी, क्योंकि लोग नवंबर दिसंबर में फसलें बोते थे और उसको अप्रैल से लगा करके मई के बीच में, अप्रैल और मई में काट लेते थे। ठीक है, अब हम कौन कौन सी फसलें ये लोग मुख्य रूप से बोते थे जरा देख लेते हैं। तो गेहूं हो गया, ये वीट मतलब गेहूं होता है ना, ये वीट, उसके बाद बार्ले मतलब जौ, कॉटन। बार्ले और कॉटन को मैंने बोल्ड किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार्ले यहाँ की प्रमुख फसल थी और कॉटन के बारे में ये लोग जानते थे, ये हमको पता होना चाहिए, इसीलिए जो यूनानी लोग हैं वो कॉटन को सिंडन कहते थे, क्योंकि ये लोग सिंडन मतलब सिंधु सभ्यता, सिंडन का क्या, सिंडन मतलब सिंधु सभ्यता, इसीलिए कॉटन को यूनानी लोग जो है वो सिंडन कहते हैं, क्योंकि ये लोग उस समय में भी कॉटन के बारे में जानते थे। कहां से पता चला है हमें, मोहन जोदड़ो में हमें सूती कपड़े के अंदर एक चाकू लपेटा हुआ मिला था, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तरबूज के अलावा खरबूजा लिखा नहीं हूं, आप लिख लेना खरबूजा, तरबूज के बाद खरबूजा, मटर, राई, सरसों और तिल, ये यहां की प्रमुख फसलें थी। क्या क्या, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई, सरसों और तिल। ठीक है, ये यहां की प्रमुख फसलें थी जो हमको लगभग कई जगह से मिला है। इसके अलावा कुछ क्रॉप है जो स्पेसिफिक जगह से मिली, जैसे बाजरा, अगर हम बाजरे की बात करें तो इसके साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं और सौराष्ट्र के कुछ हिस्से से। जो भी इन मेन फसलों को छोड़ करके जो ये जो मैंने स्टार्टिंग में मेजर क्रॉप्स बताई है, ये तो लगभग हमें सभी जगह इसके साक्ष्य मिले, लेकिन कुछ स्पेशल फसलों के साक्ष्य हैं जो हमें गुजरात वाले हिस्से से मिले हैं। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं, जो बाजरा है वो हमें लोथल और सौराष्ट्र से मिला है, सौराष्ट्र भी गुजरात में और लोथल भी गुजरात में है, हम पिछले वीडियोस में जब मैपिंग देखी थी देख लिए हैं। ठीक है, वैसे ही लोथल और रंगपुर है ना, यहां से हमें क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य। ठीक है, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं और रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, पिछले वीडियोस में हम देखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही गुजरात में एक जगह है रोजरी से हमें रागी के साक्ष्य मिले, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
है ना, क्योंकि रागी के ये लोग रागी को भी जानते थे। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस फसल के बारे में सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं मालूम था, वो एक दो दे देंगे और एक रागी भी देंगे और कोई अन्य फसल दे देंगे जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते थे। लेकिन आप क्या है, डायरेक्ट हिट रागी को करोगे, क्योंकि रागी के बारे में कई लोग नहीं सुने हुए होते हैं, है ना, और आजकल बहुत कॉमन भी नहीं है। तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि रागी के बारे में ये लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन रोजदी में हमें रागी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर के साक्ष्यों की बात करें तो हम कालीबंगा में हमें जूता हुआ खेत मिला है, पहले ही बात कर चुके, और बनवानी में हमें मिट्टी का हल मिला है, मतलब खिलौने का हल मिला है जो मिट्टी का बना था, खिलौने के रूप में एक हल मिला है जो मिट्टी का बना था, कहां से, बनवाली से, पिछले वीडियोस में हम ये बात कर चुके हैं। तो हमें एग्रीकल्चरल के इतने जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन मुख्य रूप से तीन चार कामों के लिए पशुओं को पालते थे। पहला एक कृषि कार्य के लिए, आज भी किसान पालते हैं पशुओं को, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए या कृषि में उपयोग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आवागमन के लिए, जाने आने के लिए, ठीक है, बैलगाड़ी बना करके ये लोग एक शहर से दूसरे शहर में या व्यापार के पर्पज से जाते रहे होंगे। खाने के लिए बकरी सुअर वगैरह को ये खाने के लिए यूज करते थे, मुर्गियों को, ठीक है। इसके अलावा व्यापार विनिमय में, है ना, विनिमय प्रणाली में, क्योंकि उस समय में कोई सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो लोग एक दूसरे से व्यापार कैसे करते थे, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब वस्तुओं का जो है वो विनिमय करते थे कि एक चीज के बदले तू ये दे दे, तेरी चीज के बदले मैं ये ले लूं, ऐसा करके चलता था, ठीक है। कुत्ते और बिल्ली के बारे में ये लोग जानते थे, कैसे पता चला, चहुंदड़ों की बात है, चहुंदड़ों जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि कोई ईंट बना रहा था, वो ईंट गीली थी, कच्ची थी, उसके ऊपर से कोई बिल्ली भागी थी, उसके पंजे के निशान थे और उस बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता भागा था, तो उसी ईंट पे हमें कुत्ता और बिल्ली दोनों के पंजे के निशान मिले। इससे हमको अंदाजा हो गया कि चहुंदड़ों में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, मतलब बिल्ली और कुत्ते दोनों से ये लोग परिचित थे, और वैसे भी कुत्ता तो सबसे पुराना पाला हुआ जानवर है, सबसे पहले पालतू कुत्ते को ही बनाया गया था, तो उसके बारे में तो ऑब्वियस जानते ही होंगे। हाथी और घोड़े के बारे में ये जानते थे, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले कि ये पालतू थे, मतलब इनके बारे में जानते थे क्योंकि मोहरों पे इसका अंकन है, लेकिन ये पालतू थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि इसके बारे में ये जानते रहे होंगे हाथी और घोड़े के बारे में, लेकिन ये पालतू नहीं थे, ठीक है, मतलब इनको पालतू नहीं बना पाई। गेंडे का साक्ष्य हमें आमरी से मिला है, ठीक है, हमें आमरी एक जगह है, वहां से किसका साक्ष्य मिला है, गेंडे का। हो सकता है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि गेंडे प्राप्त होने के, गेंडे थे या गेंडों से परिचित थे, इसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो आमरी से, ठीक है। इनका जो प्रमुख जानवर था वो एक श्रृंगी बैल था, क्या था, एक श्रृंगी बैल, ये एग्जाम में पूछा, कई बार पूछा गया है तो सबको पता होगा ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक श्रृंगी बैल ये यहाँ का प्रमुख जानवर था, ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। और कई सब लोगों को जनरली पता रहता है, लेकिन जो लोग एकदम ही नए हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो लोग थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हैं उनको पता है। देखो अब बात आती है शेर के बारे में, है ना, तो बुकों में लिखा हुआ है कि शेर का अंकन किसी भी मोहर में नहीं है, तो इसका मतलब दो मतलब होते हैं, या तो ये लोग शेर को बहुत डरते रहे होंगे या उसके बारे में जानते ही नहीं होंगे, इन्होंने कभी शेर देखा ही नहीं होगा, इसलिए शेर का अंकन जो है वो किसी भी मोहर पे नहीं था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोग शेर के बारे में जानते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तो आप लगा देना कि शायद नहीं जानते थे, या सीधी सी बात है जानते ही नहीं थे, ठीक है। और एक बात, गाय घोड़ा और ऊंट, ये तीन जानवर ऐसे हैं, गाय घोड़ा और ऊंट, इनका अंकन किसी भी मोहर पे नहीं है, किसका किसका, गाय घोड़ा और ऊंट, है ना, ये बहुत सामान्य से जानवर है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई इनका अंकन जो है वो किसी मोहरों में इनका भी रहा होगा, क्योंकि इनकी मोहरों में जानवरों के अंकन होते थे, पेड़ पौधों के अंकन होते थे, नावों के अंकन होते थे, स्वास्तिक चिन्ह होता था, या जनरली जो इनके आसपास जो चीजें इनको दिखाई देती थी ये उन्हीं का अंकन करते थे अपनी मोहरों में, है ना, लेकिन जो है इनकी मोहरों में गाय घोड़ा और केबल या ऊंट इसका अंकन नहीं था, ये आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इनका शिल्प और उद्योग की अगर हम बात करें, तो शिल्प और उद्योग में देखते हैं जरा क्या एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे सामने, तो ये है स्कल्पचर मतलब शिल्प,
और इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बस ये इतनी सी स्लाइड है, क्योंकि एग्जामों में क्वेश्चन अगर फंसेगा तो आपको आपसे बन जाए, ठीक है। तो ये लोग कासा बनाने की कला जानते थे, मतलब इनको पता था कि कॉपर में अगर हम टिन मिलाएंगे तो हमें एक नई धातु प्राप्त होगी जिसको क्या कहते थे, कासा। इसीलिए जो है ये पूरी सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन, ठीक है। हम पहले भी देख चुके हैं, जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि कांस्य युगीन है, क्योंकि ये लोग कासे का उपयोग जानते थे और कासा बनाना जानते थे, ठीक है। ये कॉपर कहां से लाते थे, तो खेतड़ी, राजस्थान की जो खाने है खेतड़ी, वहां से कॉपर मिलता है, आज भी मिलता है, आपको पता है। वहां से ये लोग कॉपर लाते थे और अफगानिस्तान से ये लोग टिन लाते थे, और दोनों को मिक्स करके क्या बनाते थे, कासा या ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये इस कल्चर की बात हो गई, शिल्प की बात हो गई। कुछ और चीजें देखते हैं, ये लोग नाव बनाना जानते हैं, जानते थे, क्योंकि हमें नाव का जो चित्र है कई सारी मोहरों पर मिला हुआ है, और कई सारी मोहरों पर नाव बनी हुई थी, मतलब सीधी सी बात है कि ये लोग नाव बनाना भी जानते होंगे, ठीक है। हम पहले भी देख चुके हैं, फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूं, सीप इंडस्ट्री, लोथल और बालाकोट, लोथल और बालाकोट से हमें क्या मिला है, सीप उद्योग के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहां से, लोथल से और बालाकोट से। ये आपको याद रखना है, नोट करते जाइए आप, क्योंकि आप, मैं बोलूंगा तो आपको याद नहीं होगा, नहीं तो आपको कम से कम 5-6 बार वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप नोट करेंगे तो आपको बार बार याद होगा, और वीडियो देखने में टाइम लगता है, नोट कर लेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। मनका बनाने की फैक्ट्री भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, कहां थी, लोथल में और चहुंदड़ों में मनका बनाने की फैक्ट्री है, दो जगह, लोथल में और चहुंदड़ों में। हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं, जब हमने लोथल पढ़ा था और चहुंदड़ों पढ़ा था तब भी मैंने बताया था वहां पर कि यहां पर हमें मनका बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग की बात करेंगे तो दो प्रकार के कपड़े लोग ये लोग पहनते थे, एक तो सूती वस्त्र और एक ऊनी वस्त्र, ठीक है। तो सूती वस्त्रों में भी दो प्रकार के, एक सादे सूती वस्त्र, मतलब कपड़े जो है वो सादे होते थे, कैसे, जिसे उसके ऊपर कोई कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, एक तो सादे और दूसरे कढ़ाईदार। तो मोहन जोदड़ो से हमें कढ़ाईदार वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक्चुअली हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है ना, वो मूर्ति में एक बाबा थे, है ना, बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक साल ओढ़े हुए थे और उस साल में दो पत्तियां बनी हुई थी। मतलब सीधी सी बात यह है, यहां से हमको ये पता चलता है कि ये लोग कढ़ाईदार वस्त्रों का प्रयोग भी करते थे, और ऊनी वस्त्र, मतलब दो ही प्रकार के, अब टेरिकॉट और रेशम वगैरह का तो हमको कुछ पता नहीं चला यहां से, लेकिन दो प्रकार के वस्त्रों का पता चला है, कॉटन और वूलन, मतलब सूती और ऊनी वस्त्र। समझ में आ गया इतना, चलिए आगे चलते। अगर हम व्यापार की बात करें, है ना, तो उस समय के सिक्के हमें नहीं मिले हैं, और प्रोबेबली उस समय में लोग सिक्कों का प्रचलन जानते भी नहीं थे और सिक्कों को समझते भी नहीं थे, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं अभी। हम कहां चल रहे हैं दोस्तों, आज से लगभग 4,500 साल पहले। तो उस समय सिक्के कहां थे, इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी, वहां भी सिक्के नहीं थे, है ना। अभी तो हम वैदिक सभ्यता के भी पीछे हैं, इसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वो लोग भी सिक्के का प्रचलन नहीं जानते थे, तो हम देखेंगे अभी। चूंकि वैदिक सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूं, करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सिर्फ मैं अभी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ये लोग क्या करते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब गुड्स एक्सचेंज सिस्टम, है ना, इसी से अपना व्यापार करते थे, एक वस्तु के देना और उसके बदले कोई दूसरी वस्तु ले लेना, यही चलता था, है ना। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं बोली है मैंने, जो आदमी पीएससी का तैयारी कर रहा है, व्यापार एसएससी का तैयारी कर रहा है, उसको ये बताने का जरूरत नहीं है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, और फिर भी अगर बताना है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। दो प्रकार के ट्रेड थे इनके, एक तो आंतरिक व्यापार था और दूसरा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, एक आंतरिक व्यापार था और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार था। तो आंतरिक व्यापार किसके किसके साथ था, कश्मीर, कोलार, काठियावाड़ और बलूचिस्तान, ये तो सब आंतरिक ही हो गया, ये तो सब सिंधु सभ्यता का ही एरिया है ना, तो अपने ही एरिया में अगर ट्रेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक ट्रेड या आंतरिक व्यापार, और अगर अपने एरिया से या अपने देश से बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहां से था, मेसोपोटामिया से, है ना, ये पर्सियन वाला है ना, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट मतलब मिस्र से इनका इंटरनेशनल व्यापार था। कैसे पता चला हमें, हमारी कुछ मोहरे वहां हमको मिली, उनकी कुछ मोहरे हमारे यहां मिली, मतलब इससे पता होता था कि भाई मेसोपोटामिया, इजिप्ट और पर्सिया, फारस, है ना, इनसे जो है, मैंने आपको बताया था कहां हमें दो राक्षस के मुंह वाली मोहर मिली है, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा व्यापार वहां भी था। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं।
कि फारस के साथ हमारा व्यापार था ये, या सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार था ये हमको कैसे पता चला? हमें फारस के दो मुहे राक्षस की एक मोहर मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, किस स्थान से मिली मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो ये है, तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड मिसोपोटामिया, क्योंकि इसके समकक्ष सभ्यता थी मिसोपोटामिया की, मिस्र की सभ्यता भी इसी के समकक्ष थी, है ना, इसी समय काल की थी, समकालीन थी, और पर्सिया फारस की जो सभ्यता है वो भी इसी के समकालीन थी, इसीलिए अपनी समकालीन सभ्यताओं से इसका व्यापार रहा होगा, चाहे वो समुद्र मार्ग से हो या स्थल मार्ग से हो, ठीक है, चूंकि ये लोग नाव के प्रयोग जानते थे, मतलब समुद्र मार्ग से भी हो सकता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों मैं, एक्चुअली हमें एक सुमेरियन अभिलेख मिला है, कहां से? सारगोन से, आज के ईरान वाले हिस्से से एक सुमेरियन अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में तीन जगहों का वर्णन है, मैं बताऊंगा अभी वो जगह कहां है, अगली स्लाइड में मैं मैप बनाया हूं, उस मैप पर आपको दिखेगा। तो सुमेरियन अभिलेख मिला है कहां से? सारगोन से। थोड़ा मैं टिक कर देता हूं, आपको पता चल जाएगा सुमेरियन अभिलेख कहां से मिला है, सारगोन से। ये है सारगोन, कौन सा अभिलेख? सुमेरियन अभिलेख, है ना। इसमें तीन जगहों का वर्णन है, मेलुहा या मेहुला भी कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं, मैंने मेलुहा एनसीईआरटी में मेलुहा लिखा हुआ है, मेलुहा, दिलमुन और मकन, इन तीन जगहों का वर्णन है। तो प्रोबेबली ये तीन जगह कौन सी है? मेलुहा जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ये वो होगी, दिलमुन मतलब बहरीन वाला हिस्सा, आज का जो बहरीन है वो वाला हिस्सा, और मकन मतलब बलूचिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है। दिलमुन और मकन को, है ना, दो मध्यवर्ती देश कहा गया है, मेहुला और सारगोन के बीच के, मेहुला और सारगोन के बीच के कौन से दो थे? दिलमुन और मकन, ठीक है दोस्तों। दिलमुन को जो है वो उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इनका लोकेशन क्या है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है पर्सिया, ये यहां नहीं, ये क्या है? पर्सिया। और ये जो ब्लैक कलर से मैं बनाया हूं, ये वही हिस्सा है जहां से हमें सारगोन का अभिलेख प्राप्त हुआ, एकदम पूरा नहीं है, कहीं एक जगह से मिला, एग्जैक्टली वो लोकेशन मुझे नहीं मिली तो मैं पूरा ही फारस बना दिया, कहीं ना कहीं यहां हमें एक अभिलेख मिला है, सारगोन अभिलेख, ठीक है। इस सारगोन अभिलेख में, मतलब इस जगह पे हमें एक अभिलेख मिला है, उसमें इसके साथ व्यापार होने का प्रमाण दिया गया है कि हमारा मेहुला मतलब आज के सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार था। ये जो हिस्सा, ये क्या है? मेहुला या मेलुहा, तो इसके साथ व्यापार होने के साक्ष्य है। लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि मगन और दिलमुन ये दो है, ये दो मध्यवर्ती जगह थी या मध्यवर्ती बंदरगाह होंगे उस समय के, तो इनके बारे में भी लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है, ये मध्यवर्ती व्यापार के केंद्र है, किसके किसके बीच के? सारगोन के और मेहुला के बीच के, ठीक है। मगन और ये, तो देखो दिलमुन आज के बहरीन के पास है, और मगन जो है ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा और थोड़ा सा ईरान वाला हिस्सा, और मेहुला क्या है? पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यही है ना, और ये फारस में क्या है? सारगोन, ठीक है दोस्तों। इसी अभिलेख में बहरीन को जो है वो उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, इसी अभिलेख में बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, ये आप कहीं ना कहीं लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आ भी सकता है। अभी तक खैर मैं ज्यादा एग्जामों में देखा नहीं हूं, लेकिन चूंकि लेवल बढ़ रहा है एग्जामों के, कॉम्पिटिशन भी हो रहा है खूब सारा, तो आ सकता है, काम का हो सकता है आपको। कुछ और हम फैक्ट देखते हैं, सीधे सीधे फैक्ट हैं, और फिर सामाजिक धार्मिक पक्ष और इसका पतन हम अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़े से कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पैमाने की बात करें, पैमाने के बारे में एक दो लाइन है, वो जरा देख लेते हैं, आप लिखते जाइए। तो पैमाना हाथी दांत का बना होता था, कहां से मिला है हमें? हाथी दांत का पैमाना लोथल से, और 16 के गुणज में होता था। जैसे आज अगर हम दूध लेने जाते हैं तो वो 250 मिलीलीटर के गुणज में है, जिसको गुणज समझ नहीं आ रहा है मैं बता देता हूं। जैसे आज अगर हम दूध लेते हैं तो वो किसके गुणज में लेते हैं? मोटा मोटी, मतलब जैसे 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 100 ml भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली 100 ml दूध आपको कोई देगा नहीं। तो दूध अगर हम लेते हैं तो वो 250 मिलीलीटर के गुणज में लेते हैं, मतलब या तो हम 250 मिलीलीटर लेंगे, एक पाव लेंगे, या हम 250 गुणित दो मतलब कितना, 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर लेंगे, या हम तीन पाव मतलब कितना हो गया, 750 मिलीलीटर, या एक लीटर मतलब कितना लेंगे, 1000 मिलीलीटर। तो ये किसका गुणज हो गया? दूध आज हम नापते हैं वो किससे गुणज में नापते हैं? 250 मिलीलीटर के। तो वैसे ही सारी चीजें जो है, जो स्केल था, जो पैमाना था, वो 16 के गुणज में हुआ करता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पैमाना था वो किसके गुणनफल में था, तो 16 के, आपको पता होना चाहिए, जस्ट पता होने के लिए
अब अगर हम सील की बात करते हैं, देखो दो चीजें हैं, स्केल या तो हाथी दांत का बना होता था और सोलह की गुणन था, इसके बारे में दो चीजें आपको देखना। अगर हम मोहरों की बात करें तो मोहरे मुख्य रूप से तीन चीजों की बनी होती थी, लेकिन अगर आपको कोई एक ही पूछे तो आपको सोप स्टोन या सेल खड़ी, क्या लिखना है, सेल खड़ी, सेल खड़ी है ना, ये से ऐसा वाला से है, ठीक है, तो सेल खड़ी या सोप स्टोन से। इसके अलावा टेराकोटा और कॉपर की कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई है, लेकिन अगर आपको कोई एक शब्द में पूछे कि किस चीज की बनी थी तो आप क्या जवाब देंगे, सेल खड़ी की, ठीक है। मोहरों में अभिलेख और चित्र दोनों अंकित होते थे, मोहरों में अभिलेख और चित्र क्या है, दोनों होते थे, या कभी अभिलेख भी हो सकता है या चित्र भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अभिलेखी मोहरे कहां से मिली है, कमेंट करके बताइए, पिछले वीडियो में बता चुका हूं और बहुत अच्छे से बताया है, और सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैं ये डिस्कशन कर चुका हूं, आपका रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूं, अगले वीडियो में हालांकि इनके आंसर बताऊंगा ही मैं, ठीक है। अगर हम लिपि की बात करें, स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें या लिपि की बात करें, तो लिपि में जो है वो मूलभूत 64 चिन्ह थे, कितने चिन्ह थे, मूल 64 चिन्ह थे, है ना, अनाराम जैसे या एबीसीडी टाइप 64 हुआ करते थे, लेकिन लिपि जो है वो सिर्फ साइनों से, सिग्नेचर या चिन्हों से ही नहीं बनी थी, इसमें कुछ चित्र भी हुआ करते थे, मतलब चित्र और चिन्ह इन दोनों से मिलकर के चिन्ह प्लस चित्र, ये दोनों ही मिलकर के लिपि बनाते थे, मतलब इनकी लिपि में आज जैसा सिर्फ चिन्ह ही चिन्ह नहीं होते थे, आज जैसे ए क्या है, ए भी एक प्रकार का चिन्ह है ना, अ क्या है, अ भी एक प्रकार का चिन्ह है, ये कोई चित्र नहीं है, ये किसी से मेल नहीं खाता, मतलब किसी प्राकृतिक चीज से मेल नहीं खाता, मतलब ये चित्र नहीं है, ए भी क्या है, ये सिर्फ चिन्ह है, तो वैसे ही 64 जो है, 64 जो है वो चिन्ह हुआ करते थे, जबकि ये अपनी लिपि में कुछ चित्रों का भी प्रयोग करते थे, पिक्टोरियल वर्ड्स का भी ये लोग प्रयोग करते थे, ऐसे कितने पिक्टोरियल या चित्रात्मक शब्द थे, तो 250 से 400 तक, है ना, एग्जैक्टली अभी तक हम इनकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना समझ में आता है कि 64 जो है इनके मूलभूत चिन्ह थे और 250 से 400 तक इनके चित्रात्मक चिन्ह थे जिनमें कोई ना कोई चित्र बना हुआ था। तो चिन्हों में सबसे ज्यादा यू आकृति का वर्णन हुआ है, सबसे ज्यादा यू आकृति देखी गई है या लिखी हुई है, अंग्रेजी के यू आकार जैसी एक आकृति जो है वो सबसे ज्यादा बार लिखी गई है या देखी गई है, ठीक है। वैसे ही अगर हम चित्रों की बात करें लिपि में, तो उसमें मछली जैसा एक आकार है, मैं बना देता हूं, एग्जैक्टली मछली नहीं बना, मैं बना देता हूं ऐसा एक चित्र है जिसका वर्णन कई सबसे ज्यादा बार देखा गया है या जो सबसे ज्यादा बार उपयोग हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चित्रों में सबसे ज्यादा मछली के आकार और चिन्हों में सबसे ज्यादा यू आकार, अंग्रेजी के यू आकार सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ देखा गया है, ठीक है। अब इनका लिखने का स्टाइल कैसा था, जैसे हम हिंदी ऐसे लिखते हैं, यहां से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं, इधर अगर मैं उर्दू लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे कुछ कुछ, हालांकि उर्दू नहीं है ये, पर आप समझ लो, मैं मतलब दाएं से बाएं लिखता हूं उर्दू, और हिंदी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन ये कैसी लिखी जाती थी जरा देखो, आदमी लिखना शुरू करता था इधर से, है ना, लिखता गया दाएं, बाएं से दाएं लिखा, फिर जब खत्म हो गई लाइन तो फिर यहीं से नीचे से लिखना शुरू कर दिया, इस टाइप से ऐसा, फिर इधर से लाइन खत्म हो गई तो यहां से ऐसा लिखना शुरू कर दिया, है ना, फिर लिखना शुरू किया तो इधर से लिखना शुरू किया, तो ये जो लिखने की स्टाइल है इसको कहते हैं ब्रेस्टोफेदन, क्या कहेंगे, ब्रेस्टोफेदन, ये लिखा है ब्रेस्टोफेदन, और हिंदी वाले कहते हैं गोमूत्रिका विधि, गोमूत्रिका विधि, है ना। तो लिखने का स्टाइल कैसा था इनका, गोमूत्रिका विधि से या ब्रेस्टोफेदन से। स्क्रिप्ट कैसी थी, स्क्रिप्ट में क्या था, 64 मूल चिन्ह थे और पिक्टोरियल 250 से 400 थे। साइन में सबसे ज्यादा किसका उपयोग हुआ है, तो यू आकार का उपयोग सबसे ज्यादा हुआ है, और आकृति में सबसे ज्यादा मछली की आकृति का वर्णन हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ चित्रों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ चित्र हैं उनकी लिपि के, देख रहे हैं आप, ये चित्र ही चित्र दिख रहे हैं, ये 10 चित्र हैं, ये धोलावीरा से मिले हैं, विकिपीडिया में आप चाहे तो आप देख सकते हैं इनके बारे में, तो ये धोलावीरा से कुछ चित्र मिले हैं, ये उनकी लिपि थी, आप देख सकते हैं कहीं से भी लिपि नहीं लग रही, सब चित्र ही चित्र दिख रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, उसकी थोड़ी सी तैयारी करवा देता हूं। मैं बताया था आपको कि मोहरे जो है वो सेल खड़ी की बनी होती थी, तो ये जो मोहर देख रहे हैं आप, ये वाली,
ये सेल खड़ी की बनी, हालांकि ये टूटी हुई मिली है, हमें एग्जैक्ट पूरी नहीं मिल पाई, लेकिन इससे हमें कुछ समझ में आता है। इस मोहर पे आप जो देख रहे हैं ये पशुपतिनाथ है ना। पशुपतिनाथ जब हम अगले वीडियो में सामाजिक और इसका धार्मिक पक्ष देखेंगे तो उसमें इस मोहर का फिर से वर्णन आएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पशुपतिनाथ का है। इस मोहर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जानवर है, ये एक जानवर ये है, इधर एक शेर है और ऊपर एक हाथी है। हाथी जैसा नहीं दिख रहा आपको, ये हाथी है, एक ये शेर है ना, इधर ये गेंडा है और ये बैल जैसा है, ये दो सिंह है, ये बैल जैसा। तो इनकी चर्चा करेंगे हम। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पशुपतिनाथ के चारों तरफ कौन कौन से जानवर बने थे, बाईं ओर कौन से जानवर थे, दाईं ओर कौन से जानवर थे। तो ये एक मोहर है जो सेलखड़ी की बनी हुई है। वैसे ही अगर हम पोटरी या वेयर्स की बात करें या हिंदी में बात करें तो ब्रह्मांड की बात करें, तो आप ब्रह्मांड का एक टुकड़ा मिला हुआ है हमें, वहां से आप इसको देख सकते हैं, है ना। इस टुकड़े को अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये लाल कलर का ब्रह्मांड है। ये किस रंग का ब्रह्मांड है? लाल रंग का, लेकिन इसके ऊपर काले कलर से चित्रकारी की हुई है। ये देखिए, ये चित्रकारी किस रंग की है? काले कलर की। ये सिंधु घाटी की है दोस्तों, विकिपीडिया में आपको मिल जाएगी, मैं वहीं से लिया हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाए और आपको समझ में आए कि उस समय की क्या क्या चीजें हमें मिली है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, हम अगले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इनके मृदभांड कैसे थे, कैसे बनाते थे, कुम्हार चाक का प्रयोग करता था, है ना, मृदभांड बनाने के लिए एकदम शाइनिंग वाले मृदभांड बनाए जाते थे, स्टाइलिश मृदभांड बनाए जाते थे, इनका धार्मिक पक्ष देखेंगे, है ना, और धार्मिक पक्ष के क्या क्या आधार है हमारे पास उनको देखेंगे, इनके मुख्य देवता कौन है उसको देखेंगे, है ना, सामाजिक पक्ष क्या था, स्त्रियों की क्या स्टेटस था, महिलाओं को क्या स्टेटस था उस समय में देखेंगे, फिर पतन देखेंगे और ये सिंधु सभ्यता भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक्स थोड़े से कम आ रहे हैं, लोग थोड़ा देख भी कम रहे हैं, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा वीडियो देखा। जय हिंद।